नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास टीवी। इस वीडियो में हम आपको बहुत ही बड़ा जानकारी देंगे। झारखंड में ई कल्याण स्कॉलरशिप से रिलेटिव एक नया लेटेस्ट अपडेट्स आया है। जो स्टूडेंट अभी तक स्कॉलरशिप के फॉर्म को नहीं भर पाए हैं, उन लोगों के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि डेडलाइन को और आगे तक बढ़ा दिया गया है। क्या कुछ अपडेट्स है स्कॉलरशिप से रिलेटिव, पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे। प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, ताकि स्कॉलरशिप का जो भी अपडेट्स हो आपको कम्प्लीटली इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले करेंगे छोटा सा रिक्वेस्ट, कर तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल रंग के बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि स्कॉलरशिप का हर अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं क्या कुछ है अपडेट। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि तीन अपडेट्स हैं जो कि स्टूडेंट्स के लिए है और कॉलेज के लिए भी है। यहाँ पे पहला जो अपडेट्स है, यहाँ पे शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन तिथि, यहाँ पे देखेंगे कि 23 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं, जो कि ये बंद कर दिया गया था। जो जो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आईटीआई और नर्सिंग के कॉलेज अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए हैं ई कल्याण के पोर्टल पे, उन लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कॉलेज के टीचर्स लोग, ठीक है, अपने कॉलेज के लिए। और दूसरा अपडेट्स है यहाँ पे, शैक्षणिक सत्र 2022-23 हेतु छात्र छात्राओं को आवेदन प्रक्रिया की तिथि। तो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स अभी तक अपना स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भर पाए हैं, सिर्फ और सिर्फ आईटीआई और नर्सिंग के लिए, ठीक है, नर्सिंग और आईटीआई के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 3/11/2023 तक रखा गया है समय। यानी कि अब आप 3 नवंबर 2023 तक फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पे तीसरा अपडेट है, संबंधित शैक्षणिक संस्थानों के आयोजनों द्वारा छात्र छात्राओं को आवेदन का सत्यापन की तिथि। यानी कि कॉलेज वाले कॉलेज अपना स्टूडेंट्स को आवेदन को अप्रूव करने का उसका डेडलाइन रखा गया है 10/11/2023 तक, ठीक है, यानी कि कॉलेज का लास्ट डेट रखा गया है 10/11/2023 तक अपना स्टूडेंट्स का आवेदन को अप्रूव कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे नोट में यहाँ पे बताया गया है, नोट, नर्सिंग एम आईटीआई शैक्षणिक संस्थानों के अलावा अन्य शैक्षणिक संस्थानों द्वारा ई कल्याण पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन देने पर स्वीकार नहीं किए जाएंगे, ठीक है। ये कुछ अपडेट्स था, उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आया, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जिनका अभी तक कॉलेज अपडेट नहीं किया गया है ई कल्याण के पोर्टल पर, उन लोग को कॉलेज भी अपडेट हो जाएगा बहुत जल्द। स्कॉलरशिप रिलेटेड और भी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, आपका दिन शुभ।